पालक मंत्री नितिन राउत ने शुक्रवार को कोविड-19 के संदर्भ में विभागीय आयुक्त कार्यालय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कोविड-19 के संदर्भ में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पालक मंत्री नितिन राउत द्वारा शुक्रवार को कोरोना की परिस्थिति का जायजा लिया गया, जिसके बाद विभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। पत्र परिषद में राउत इन्होंने मनपा और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपाय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों पर भी पालक मंत्री इन्होंने जवाब दिए। पत्र परिषद के दौरान पालक मंत्री द्वारा कहा गया कि शनिवार और रविवार को पूरे मार्केट बंद रहेंगे, फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 7 मार्च तक ऐसे ही शनिवार और रविवार मार्केट बंद रहेंगे। 7 मार्च तक हालातों पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी, उसके बाद ही कोरोना के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही राउत बोले कि संक्रमण बढ़ते ही टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। मैं जवाबदार इस मुहिम के तहत जन जागृति के आदेश सूचना प्रसारण संचालकों को दिए गए हैं। इस मुहिम के तहत मास्क लावा, मास्क लगाना, भीड़ जमा नहीं होने देना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना, इन सारी चीजों का समावेश है। जे यामधले विशेषज्ञ आहेत त्यांचं म्हणणं असं आहे की ही जी स्थिती निर्माण झाली या स्थितीमध्ये कोविड प्रोटोकॉलचं पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि काही लक्षण या ठिकाणी जर दिसलं तर दिसल्याबरोबर आयसोलेट होऊन जायचं आणि कोविड टेस्ट त्यांनी जरूर करावी असं या ठिकाणी आवाहन आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी करतो आहे। आज मी या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा या ठिकाणी घेतला आणि त्या आढावामध्ये आरोग्य पथकांच्या गृहभेटी संख्येत वाढ झाली आहे काय, तर त्यामध्ये आपल्याला सांगू इच्छेन की 3 पटीपेक्षा जास्त चाचण्या आपल्याकडे आता सुरू आहेत। 10,000 जवळपास आपण त्याच्यापेक्षा जास्तच या ठिकाणी टेस्टिंग्स केलेले आहेत। मुंबईचा आकडा 11,000 आहे आणि आपल्या नागपूरचा आकडा 10,000 आहे दररोजचा। आणि या ठिकाणी होम क्वारंटाईन जे होत आहेत त्या व्यक्तींना स्टॅम्पसुद्धा लावणं आमचं सुरू आहे। जी मेयो मेडिकलमध्ये जे लोक येतात त्यांची डाटा एंट्रीसुद्धा आम्ही या ठिकाणी व्यवस्थित सुरू आहे। सुपर स्प्रेडर्सच्या चाचण्या सुरू केल्या असून त्यामध्ये हॉकर्सलासुद्धा आम्ही त्यांच्यासुद्धा चाचण्या या ठिकाणी करतो आहोत। आणि शनिवारी रविवारी आपण मार्केट संपूर्णपणे बंद ठेवलेले आहेत आणि त्यासंबंधीच्या सूचनासुद्धा आम्ही दिलेल्या आहेत। शाळा महाविद्यालय कोचिंग क्लासेस यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शनिवार रविवार घराबाहेर पडू नका असा मेसेज पाठवण्यात आलेला आहे आणि आम्ही डेप्युटी डायरेक्टर हायर एज्युकेशन आणि एज्युकेशन ऑफिसर या दोघांनाही सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी शाळा संचालकांसोबत तिथल्या मुख्याध्यापक आणि टीचर्सलासुद्धा माहिती द्यावी आणि त्यांच्या माध्यमातून पालकांपर्यंत माहिती कशी पोहोचू शकेल याचा प्रयत्न करावा। पत्र परिषद के दौरान पालक मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि नागरिकों के लिए शहर के अस्पताल को पूरी तरह से तैयार रखा गया है, साथ ही कोविड मित्र भी तैयार किए जा रहे हैं। अस्पतालों में 1,769 ऑक्सीजन बेड और आईसीयू के 684, 263 वेंटिलेटर बेड तैयार किए गए हैं। टीकाकरण की मुहिम भी तेज रफ्तार से शुरू है। अगर आपातकालीन परिस्थिति निर्माण होती है तो नागपुर महानगर पालिका और जिला प्रशासन उससे निपटने के लिए पूरा नियोजन किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।